Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, same method, that is Carl Pearson method, product moment method, chapter 2 of statistics, linear correlation. Okay, अपन पढ़ रहे correlation coefficient Carl Pearson के method से कैसे ढूंढते हैं. Last lecture में अपन ने ढूंढा था कि अगर मीन, दोनों मीन, x मीन एंड y मीन, दोनों जो वेरिएबल्स हैं उन दोनों के जो मीन है वो इंटीजर्स है, क्लोज नंबर्स है, मतलब डेसिमल्स में नहीं है, फ्रैक्शंस में नहीं है. तो अपन ने एक मेथड समझी थी कि उसके अंदर कैसे ढूंढना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज r डिनोटेड बाय r. ओके, एंड r की वैल्यू क्या होती है, -1 to +1 के बीच में. -1 होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एंड +1 होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. ओके एवरीवन, अब आया पॉइंट कि जब इंटीजर्स हो तब तो अपन ने ढूंढ लिया, बट इंटीजर्स नहीं हो मतलब क्या, फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में हो, फ्रैक्शंस या डेसिमल्स में हो तो कैसे करना है. क्लियर एवरीवन? ओके, अब मैं नेक्स्ट, जो इंटीजर्स हो तो उसके अंदर कौन सी, इंटीजर्स नहीं हो तो उसके अंदर कौन सी मेथड यूज करनी है वो फॉर्मूला लिखती हूँ. ओके, कार्ल पियर्सन के मेथड से कैसे ढूंढना उसकी फॉर्मूला लिखती हूँ. आर इज इक्वल टू सिग्मा, पेज नंबर 68 पे फॉर्मूला दिए और सम दिए बाद में, ठीक है. आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई मतलब समेशन ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे उसका समेशन करेंगे, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और ये इसके आगे लगा दो एन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन, ये क्या है, मैं अगर डॉट करी उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं डॉट करी उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, अपॉन एस एक्स इंटू एक्स एक्स सॉरी एस एक्स इंटू एस वाई होता है नीचे, मतलब सेंडर डिवीजन ऑफ एक्स इंटू सेंडर डिवीजन ऑफ वाई, उसके बदले क्या हो जाएगा, हमेशा रूट में होता है वैसे ये भी रूट में होगा, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसके लिए मैं क्या लगा दूंगी, एक पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय एक पॉइंट. सेम जो ये चीज है ना, एक्स वेरिएबल के लिए वाई वेरिएबल के लिए, सिग्मा एक्स वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर. क्लियर एवरीवन? ये मेथड कब यूज होती है, जब इंटीजर्स नहीं होते हैं, मींस मतलब एक्स मीन वाई मीन. ओके, अब जब वो फ्रैक्शनल फ्रैक्शन या डेसिमल में होगा मतलब पॉइंट वाला होगा तो उसके अंदर क्या करेंगे अपन, ये मेथड यूज करेंगे, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. अब इसके लिए क्या क्या ढूंढना पड़ेगा, एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन ढूंढना पड़ेगा, मतलब एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दूसरी चीज क्या ढूंढनी पड़ेगी, सिग्मा एक्स का टोटल सिग्मा वाई का टोटल, तो वो मल्टीप्लाई करना है. सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, जो भी सिग्मा एक्स है, मतलब क्या, जो एक्स स्क्वायर होगा, जो एक्स आया उसको स्क्वायर करो एंड स्क्वायर करने के बाद टोटल करो. ये क्या आया, एक्स का स्क्वायर करो पहले उसका फिर टोटल करो इंटू एन करो. ये क्या सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, मतलब क्या, सिग्मा एक्स का जो टोटल है उसका स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस बताती हूँ. समझो x वेरिएबल में है 3, 2, 5, y वेरिएबल में है 5, 6, 4, ठीक है. अब ये चीज क्या है, सिग्मा x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो 9, 4, 25, फिर उसका समेशन टोटल, और ये x स्क्वायर क्या है, इसका टोटल करो 3 + 2 5 + 5 10 एंड फिर 10 का स्क्वायर करो 100, 25 + 4 29, 29 + 9 38, 38 का स्क्वायर, ये हुआ ये और ये हुआ ये. क्लियर एवरीवन? सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का समेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है. क्लियर है एवरीवन? एक बार गो थ्रू कर दो बोर्ड के ऊपर. ओके, सो हम सम के साथ शुरू करेंगे. ओके, सो इलस्ट्रेशन अपने लास्ट कौन से इलस्ट्रेशन तक किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक कर लिया था कंप्लीट. अब अपन करेंगे इलस्ट्रेशन 7, ठीक है. अब अपन करेंगे इलस्ट्रेशन 7. मैं डेटा रिकॉर्ड कर लेती हूँ पहले.
नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड एक्स बोला है एंड प्रॉफिट इन लाख रुपीस वाई बोला है. तो मैं एक बार के लिए डेटा है ना उसके ऊपर लिख नहीं रही हूँ क्या है मोबाइल फोन या कुछ, तुम लोग को लिखना है शॉर्ट में ऐसा लिख दी नंबर ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास. प्रॉफिट इन लाख, ये मेरा एक्स और वाई, एक्स लिख दिया मैंने वाई लिख दिया. ढूंढना मुझे क्या क्या होता है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, बस इसमें इतनी ही चीज. सबसे इजी मेथड टू सॉल्व, सबसे इजी मेथड क्या है, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर. ओके, अब 3, 8, 12, 5, 7, 5, ओके, 6, 10, 15, 10, 9, 8. सो क्लियर एवरीवन. अब मुझे इसका पहले मीन ढूंढना है. तो 3 + 8 = 11, 11 + 12 = 23, 23 + 5 = 28, 28 + 7 = 35, 35 + 5 = 40. एंड इनका टोटल आएगा 10 + 6 = 16, 16 + 15 = 31, 31 + 10 = 41, 41 + 9 = 50, 50 + 8 = 58. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर मैं एक्स मीन ढूंढूंगी, एक्स मीन इज इक्वल टू 40/6 सिग्मा एक्स आई अपॉन एन ना. ओके, तुमको फॉर्मूला भी लिखनी है. सो 40/6 क्या होता है, 40/6 क्या आएगा, 6.67. 40/6 क्या आया, 6.67. अब आएगा वाई मीन, मतलब 58/, अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट वाला और एक पूरा इंटीजर है तो भी यही फॉर्मूला यूज करनी है. दोनों या कोई भी एक फ्रैक्शन या डेसिमल आ गया मतलब तुमको यही फॉर्मूला यूज करनी है. दोनों इंटीजर हो तो ही वो फॉर्मूला यूज करनी है. क्लियर एवरीवन? ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 58/6 दैट इज 9.67, 58/6 दैट इज 9. ये अपन ने क्या ढूंढ लिया, मीन. ओके, अभी मुझे ये मीन से पता चल रहा है कि मुझे ये फॉर्मूला यूज करने, समझ आया, क्योंकि ये दोनों डेसिमल्स में है, डेसिमल में है इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रही हूं. अगर ये दोनों इंटीजर्स होते तो मैं वो वाली फॉर्मूला यूज करती जो अपने लास्ट लेक्चर में की है. ओके, एक्स वाई, 3 6 80, 8 10 80, 12 15 15 10 150 + 30 180, 10 5 50, 7 9 63, 5 8 40. ओके, अगर इन सबका मैं एडिशन करूं तो मेरा एडिशन आता है 431. तुमको कैलसी में ही करना है सो एडिशन का कोई लोड नहीं है, ठीक है. सो 431 इसका टोटल है. अब एक्स स्क्वायर मतलब 3 3 9, 8 8 64, 12 12 144, 5 5 29, 5 5 25. अब इन सबका टोटल है 316. क्या टोटल है, 316. क्लियर एवरीवन? मैंने क्या किया, पहले एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स में जो भी वेरिएबल्स है, जो भी नंबर्स है, न्यूमरल्स है, उन सबका स्क्वायर किया. अब वाई में जो भी न्यूमरल्स है, नंबर्स है, उन सबका स्क्वायर करोगे, दैट इज 6 6 36, 10 10 100, 15 15 225, 10 10 100, 9 9 81 and 8 8 64. सो मेरा टोटल क्या आएगा, 606. मेरा टोटल क्या आएगा, 606. टोटल का लोड नहीं है बिकॉज तुमको कैलसी है, तुमको कैलसी प्रोवाइड किया, एग्जाम में भी प्रोवाइड करेंगे, तुम उसमें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है. सो मैं कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही, कंपेयर टू मैं कंसेप्ट पे फोकस कर रही हूँ, राइट एवरीवन? सो मेरा इधर तक हो गया, मेरा एक्स बार हो गया, मेरा वाई बार हो गया, क्लियर एवरीवन? अब मेरी फॉर्मूला क्या है, तो मैं एक्स बार वाई बार को थोड़ा रब कर दूंगी. ओके एवरीवन, अब मेरी फॉर्मूला क्या है ढूंढने के लिए, आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट में क्या था, एन सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वेयर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वेयर. क्लियर एवरीवन? तो एन मतलब क्या था, 6, सिग्मा एक्स वाई मतलब क्या है, 431 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई मतलब 316 इंटू 606 अपॉन, अब ये रूट में लिखेंगे, ठीक है, ये रूट में लिखेंगे तो एन की जगह पे 6 इंटू
सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का सिग्मा क्या आएगा 316, एक्स स्क्वायर का सिग्मा क्या आएगा वो लिखेंगे, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 40 40 इज 1600 मल्टीप्लाई बाय एक और रूट लेंगे 6 × 606 माइनस 58 का होल स्क्वायर, 58 का होल स्क्वायर कितना होता है 3364, ओके सो इसके बाद का कैलकुलेशन तुम लोग इजीली कैलसी पे कर सकते हो, मैंने कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दिया, खाली तुमको इतना कैलकुलेट करना है, क्या करना है तुमको पहले 6 × 316 कर देना है, जो भी फिगर है उसमें से 1600 को माइनस करो, फिर जो फिगर है उसका रूट करके इधर फिगर लिख दो, फिर वापस ये पूरा सॉल्व करो, फिर इसका रूट निकालने के बाद जो आया वो, फिर वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो एंड अल्टीमेटली ऊपर वाले, चलो एक बार भी काम करते हो तुम लोग इतना गोथ्रू कर दो, मैं आगे कसम करवा ही देती हूँ, एक करवा देती हूँ, दूसरा तुमको होमवर्क में करना है वैसे भी। इधर तक क्लियर हो गया? ओके सो R इज इक्वल टू अपना लास्ट क्या आया 6 × 431 कितना होता है 6 × 431 होता है 2586 सो 2586 मैंने क्या किया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो मेरा आता है 2320 ओह सॉरी ये 316 नहीं आएगा सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई है सिग्मा x क्या था 40 एंड सिग्मा y क्या है 58 ठीक है एक मेरी मिस्टेक हो गई 40 × 58 आएगा सिग्मा एक्स मैंने सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा एक्स स्क्वायर का लिख दिया ठीक है तो 40 × 58 आएगा तो क्या आ गया 2320 डिवाइड बाय ये पूरा अगर मैं सॉल्व करूंगी एंड अल्टीमेटली रूट करूंगी ठीक है रूट करने से पहले मेरा फिगर क्या आ रहा है 296 × 272 तो मैं क्या कर सकती हूँ पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी रूट निकाल सकती हूँ तो इन दोनों को अगर मैं ऊपर वाले को माइनस करूंगी तो कितना आया 266 ऊपर वाले को माइनस किया तो कितना आया 266 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दू रूट अभी तक मैंने हटाया नहीं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दू तो क्या आया मेरा 80512 अब 80512 का रूट होता है कैलसी पे रूट करके सिंबल होता है कैलसी पे रूट करके सिंबल होता है 80512 करके डायरेक्ट रूट दबाओगे ना तो रूट आ जाएगा ठीक है सो 266 डिवाइड बाय वो पर्टिकुलर रूट क्या आया 283.7464 और इसको इससे डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.9375 दैट इज अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली की साइन होती है क्या होती है अप्रोक्सीमेटली की साइन होती है 0.94 क्लियर एवरीवन बहुत इजी चैप्टर है कुछ है ही नहीं चैप्टर के अंदर खाली कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलसी यूज करना है बस क्लियर एवरीवन एक बार गो थ्रू कर दो पूरा पूरा इधर से शुरू किया हुआ वापस इधर कंटिन्यू किया है ठीक है नेक्स्ट सम एकदम सेम है नेक्स्ट सम एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 8 अब उसके बाद वापस एक फॉर्मूला चेंज हो रही है वो अब मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 8 अब क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सी फॉर्मूला यूज हो रही है क्वेश्चन नंबर 8 में मैं फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर स्केल चेंज होगी ओरिजिन चेंज होगी वो क्या होता है जब नंबर्स छोटे हो जब इंटीजर्स होते तो फर्स्ट वाले जो फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन की वही यूज करनी है लेकिन जब इंटीजर्स नहीं हो फ्रैक्शन में हो तो एक्स और वाई के जो होते नंबर्स एक्स एंड वाई के जो न्यूमरल्स है वेरिएबल्स है वो अगर छोटे हो तो एक्स वाई जो अपन लास्ट अभी फॉर्मूला पढ़ी थोड़ी देर पहले वो यूज करनी है लेकिन
अगर फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में और एक्स एंड वाई के न्यूमरल्स बहुत बड़े बड़े हो तो ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है, मैं भी सिखा रही हूँ। अगेन डिफरेंस क्या है, सबसे पहले अगर मीन, अगर मीन एक्स मीन वाई मीन अगर इंटीजर्स है तो सबसे फर्स्ट जो मैंने कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला यूज कर रही थी एक्स माइनस एक्स बार वाली, वो यूज करनी है। बट इफ इंटीजर्स नहीं फ्रैक्शंस है डेसिमल्स है, पॉइंट में अगर मीन आ रहे हैं तो अगर x और y के नंबर्स छोटे छोटे हैं तो एक्स वाई वाली फॉर्मूला यूज करनी जो अभी अपन ने कंप्लीट की। लेकिन इफ नंबर छोटे नहीं है बड़े है और मीन इंटीजर्स नहीं है फ्रैक्शंस है डेसिमल्स है तो अब ये जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ वो यूज करनी है यूवी वाली। ठीक है, यूवी वाली क्या होता है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी। ए क्या होता है, चेंज इन ओरिजिन, ए की वजह से क्या होता है, लेकिन अगर सी भी कर रहे हो डिवाइड तो चेंज ऑफ स्केल। अगर तुम दोनों कर रहे हो माइनस भी कर रहे हो डिवाइड भी कर रहे हो तो उसको बोलते हैं देयर इज चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, देयर इज चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। क्लियर एवरीवन? अब ये फॉर्मूला क्या है, अगर एक्स बहुत बड़ा होता है तो क्या करो, और तुम्हारा मीन तो पॉइंट में आया होता है, तुम यूजुअली एक्स माइनस एक्स बार करते थे, पर अगर एक्स बार पॉइंट में तो तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन कितना लंबा हो जाएगा एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, समझो ये आया 158.62, तो ये क्या करो, राउंड फिगर करो, 6 बड़ा है तो 159 कर दो। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करना है, ये राउंडिंग ऑफ नंबर क्या हो गया, ए। मीन का राउंडिंग ऑफ नंबर होता है ए, मीन का राउंडिंग ऑफ नंबर होता है ए। सी क्या होता है, समझो 100, 1000, 200, ये सब नंबर्स x के अंदर है, तो मैं कॉमन नंबर लूंगी 100 तो सबसे डिवाइड हो रहा है तो मैं सबको 100 से डिवाइड कर दूंगी ताकि मेरे नंबर छोटे आ जाए, 1, 10, 2 ऐसा हो जाए, तो उसको बोलते हैं c। किस नंबर से डिवाइड कर रहे हो ताकि वो सब नंबर छोटे हो जाए तो उसको बोलते हैं c। क्लियर है? अब मैं फॉर्मूला बताती हूँ, ए क्या हुआ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन एंड सी क्या हुआ जिसे तुम डिवाइड करके छोटा नंबर कर सको। ठीक है, ऐसा कॉमन नंबर जो सबसे डिवाइड होता हो एंड सब नंबर उससे छोटे हो जाए। ओके, सो इसकी फॉर्मूला है, उसकी फॉर्मूला क्या थी, एन इंटू एक्स वाई, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई, इसकी फॉर्मूला है एन इंटू सिग्मा यू वाई, n into sigma uv, सेम है, माइनस सिग्मा u into sigma v, ये भी सेम है, सिग्मा x into sigma y की जगह sigma u into sigma v, अपॉन सेम फॉर्मूला n sigma u square माइनस sigma u होल स्क्वायर n sigma y square v square, v square माइनस sigma v होल स्क्वायर। इधर तक समझ आ गया, क्लियर? सेम फॉर्मूला है, खाली रिप्लेसमेंट किया मैंने एक्स एंड वाई को यू एंड वी के साथ। क्लियर एवरीवन? ओके, अब मैं करूंगी सम, डेटा लिख देती हूँ उसके बाद बुक रख के अपन सम करते हैं। फॉर्मूला देख ली एक बार, सेम फॉर्मूला है खाली रिप्लेस किया हुआ है एक्स एंड वाई को यू एंड वी के साथ। ओके, इलस्ट्रेशन 9, हाइट इन सेंटीमीटर एंड वेट इन केजीज। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया मेरा वाई, इसमें कॉलम्स बहुत सारी होती है, एक तो एक्स वाई, फिर क्या आएगा यू, फिर वी, यू वी, यू स्क्वायर, वी स्क्वायर। ओके, अब मैं मेरे डेटा लिख देती हूँ, 155, 165,
153 एंड 160. Y क्या है मेरा 53 63 56 60 52 एंड 60. मेरा इन दोनों का टोटल भी लिख देती हूँ, ये हो गया 953 एंड ये हो गया 344. तो मीन ढूंढ लेते हैं, x मीन क्या होगा और y मीन क्या होगा. 953 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 और 344 अगेन डिवाइड बाय 6. सिग्मा एक्स आई अपॉन एन सिग्मा वाई आई अपॉन एन, तुमको फॉर्मूला लिखने कंपलसरी है. सो ये मेरा आ गया 158.83, ये मेरा आ रहा है 57.33. अब हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, राउंड ऑफ करने के बदले पीछे वाला नंबर देखते ही नहीं, इसको ही ये ले लेते हैं. बस इतना इग्नोर करो पॉइंट के बाद वाला, उसको ये ले लो. क्लियर है? तो अपन भी दोनों जगह में यही कर लेते हैं, पीछे पॉइंट के बाद वाला नंबर को इग्नोर करो, इसको मैं क्या करूंगी ए लूंगी. सिमिलरली इसको इग्नोर करो, इसको क्या लूंगी मैं ए लूंगी. सो मेरा यू की फॉर्मूला क्या, कोई भी कॉमन नंबर इससे डिवाइड नहीं हो रहा ना, 5 तो इधर अटकेगा ना 10, तो कोई भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो पा रहा है. तो मैं क्या करूंगी, इसमें डिविजन इंक्लूड नहीं करूंगी. ओनली चेंज इन ओरिजिन, नो चेंज इन स्केल, ओनली चेंज इन ओरिजिन, दैट इज मैं ए माइनस करूंगी लेकिन सी से डिवाइड नहीं करूंगी. तो मेरा यू क्या होगा, एक्स माइनस 158 एंड मेरा वी होगा वाई माइनस 57. ओके, ओके एवरीवन. सो 155 माइनस 158 दैट इज माइनस 3, 165 माइनस 158 7, 158 माइनस 158 0, 162 माइनस 158 4, 153 माइनस 158 माइनस 5 एंड 160 माइनस 158 दैट इज 2. एक बार अपन चेक कर लेते हैं, माइनस 3 7 0 4 माइनस 5 एंड 2. ओके, अब इसका टोटल क्या आएगा, 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 7 प्लस 4 11 प्लस 2 13, 13 माइनस 5 दैट इज सॉरी 13 माइनस 8 दैट इज 5. ओके, अब वी का करेंगे सेम, 53 माइनस 57 माइनस 4, 63 माइनस 57 दैट इज 6, 56 माइनस 57 माइनस 1, 60 माइनस 57 3, 52 माइनस 57 माइनus 5 एंड 60 माइनस 57 3. ओके, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, माइनस 4, 6, माइनस 1, 3, माइनस 5 एंड 3. ओके, सो इसका आया टोटल 2. ओके एवरीवन, अब यू भी करेंगे, दैट इज 3 4 12, माइनस माइनस प्लस 7 6 42, 0 इंटू माइनस 1 0, 4 3 12, 5 5 25, माइनस माइनस प्लस 2 3 6. अगर मैं इसका टोटल करूंगी तो आएगा 97. ओके, यू का स्क्वायर 3 3 9, स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं होता, किसी का भी स्क्वायर, अगर माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है अल्टीमेटली, तो किसी भी माइनस फिगर का भी स्क्वायर में माइनस मत लिख देना, किसी का भी स्क्वायर कभी भी माइनस हो ही नहीं सकता, किसी का भी स्क्वायर कभी भी माइनस हो ही नहीं सकता. क्लियर है एवरीवन? 7 7 49, 0 0 0, 4 4 16, 5 5 25, 2 2 4. तो इसका टोटल क्या आएगा, 103. ओके, बी का स्क्वायर 4 4 16, 6 6 36, 1 1 1, 3 3 9, 5 5 25, 3 3 9. तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 96. क्लियर एवरीवन? इधर तक सबको क्लियर है? मेरे सब फिगर्स हो गए, मैं इसको एक बार के लिए रब कर रही हूँ. ओके, ओके, मेरी फॉर्मूला लगा रही हूँ. फॉर्मूला में फॉर्मूला लिखना तुमको लिखना कंपलसरी, मेरे पास स्पेस नहीं है इतनी, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रही हूँ. ठीक है, तो अब मेरा क्या आएगा, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई दैट इज यूवी, एन इंटू सिग्मा यूवी, तो ये क्या है यूवी 97, एन मेरा क्या है 6, 1 2 3 4 5 6. ओके, एन मेरा क्या है 6 इंटू 97 माइनस सिग्मा यू दैट इज 5 इंटू 2 अपॉन रूट में क्या आएगा 6 एन इंटू सिग्मा यू स्क्वायर. सिग्मा यू स्क्वायर क्या आएगा, यू स्क्वायर का टोटल माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, तो 5 5 25. ओके, फिर एन इंटू सिग्मा वी का होल स्क्वायर दैट इज
माइनस होल स्क्वायर नहीं सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर टू टू जा फोर, तो सिक्स इंटू 97। तुम लोग कैसे पे करना है इसका कैलकुलेशन, मैं इसका कैलकुलेशन डायरेक्टली इसमें से देख के करूंगी। ओके, सिक्स इंटू 97 दैट इज 582 माइनस 10 अपॉन रूट में क्या आ जाएगा, सिक्स इंटू 103 दैट इज 618 माइनस 25 दैट इज 593 मल्टीप्लाई बाय इसका क्या आ जाएगा 572। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली रूट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 572 और नीचे हो जाएगा 582.4054। अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आएगा 0.9821 अप्रोक्सीमेटली 0.98 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या है 0.98। और तुमको हमेशा है ना तुम्हारी जो भी वैल्यू आ रही है तुमको बताना है, अगर वो 0.98 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो प्लस वन से एकदम क्लोज है, क्लोज टू प्लस वन है तो अपन क्या लिखेंगे क्लोज टू परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अपन को एक मार्क इस चीज का मिलता है सिर्फ इतना लिखने से कि इट इज क्लोज टू परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये पांच मार्क का सम है तो एक मार्क पूरा इस चीज का होता है कि तुम लोग का जो क्या बोलते हैं उसको समरी लास्ट में तुम लोग जो कंक्लूजन देते हो तो वो कंक्लूजन लिखना कंपलसरी, इसका वन मार्क कंपलसरी होता है, तुमको ये लिखना है क्लोज टू परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके एवरीवन, सो ये गो थ्रू कर दो पूरा सम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अभी पूरा कैलकुलेशन पार्ट है जो तुमको कैलसी पे यूजुअली करना होते हैं, सब सम उस टाइप के ही है, इसलिए मैं सबके खाली कंसेप्ट समझाऊंगी, अभी मैं कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करूंगी। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 10 का एक्स है मंथली इनकम, एवरेज मंथली इनकम, एक्स है एवरेज मंथली इनकम और वाई क्या है इनकम ड्यू टू ओवरटाइम। ठीक है, अब मेरा एक्स है ना उसके अंदर सब में पीछे दो जीरो है, मेरे एक्स के अंदर हर वेरिएबल में पीछे दो जीरो है, तो मैं क्या करूंगी एक्स का पहली बार तो टोटल करूंगी, एक्स का टोटल मेरा कितना आ रहा है मैं डायरेक्टली टोटल करके लिख रही 92,000 एंड मेरा वाई का टोटल आ रहा है 955। ठीक है, एक्स का टोटल 92,000 वाई का, तो एक्स मीन मेरा कितना होगा 92,000 डिवाइड बाई कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड वाई मीन क्या होगा मेरा 955 डिवाइड बाई 6। देखो पहले इंटीजर्स आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, तो इसके अंदर आ रहा है 153.33 और ये मेरा आ रहा है 159.17। मतलब दोनों इंटीजर्स नहीं है, दोनों डेसिमल्स के अंदर है, तो अपन कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स वाई या यू वी। अब नंबर्स से पता चल रहा टोटल से पता चल रहा 92,000 मतलब क्या हो गया सब नंबर्स बड़े बड़े हैं, तो अपन क्या करेंगे यूवी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर एवरीवन? अपन कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे यूवी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यूवी वाली फॉर्मूला यूज करने के लिए अपन को यूजुअली क्या करना होता है, इसको अपन राउंडिंग ऑफ कर देते हैं 1533 कर देते हैं, लेकिन ये इतने बड़े नंबर में अपन 15333 नहीं करेंगे, 15300 कर देंगे। अपन क्या करेंगे 15300 बिकॉज ये ऐसा वाला कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं करने के लिए। क्लियर एवरीवन? सेकेंडली ये जितने भी नंबर सब में पीछे दो जीरो तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगी डायरेक्टली, तो मेरा नंबर और छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगी यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 15300 अपॉन सी मतलब क्या हो गया 100, ए क्या हुआ 15300 एंड सी मेरा क्या हुआ 100। क्लियर एवरीवन? सिमिलरली 159 है तो मैं इसका राउंडिंग ऑफ करके 160 कर दूंगी, एकदम 9 के बाजू वाला जो नंबर है ना उसको डायरेक्टली बाद वाला 60 करके कर देने का, तो अगर मैं 60 करूं तो इसके अंदर ए क्या हुआ 160 एंड इसमें सब नंबर 5 से डिविजिबल है तो मैं सी क्या लूंगी 5। क्लियर एवरीवन? तो इस तरह से तुमको पूरा ये ऐसे करके पूरा सम सॉल्व करना है।
नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 11, सेम पैटर्न का, एकदम इजी, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, सेम 10 जैसा ही सम है. क्लियर एवरीवन? अब क्वेश्चन नंबर 12 में एक ट्विस्ट है, वो सॉल्व करवाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देना. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, जो सेल्स इन करोड़ दिए, सेल्स इन क्या दिए, करोड़. सो अपन क्या करेंगे, उसमें पॉइंट में दिए 1.2, 2.2, 3.2, मतलब अपन को यूजुअली छोटे नंबर दिए जाते तो अपन उसको क्या करते, एक्स वाई वाले फॉर्मूले यूज करते हैं. बड़े नंबर दिए जाते तो छोटा करने के लिए यूवी वाले फॉर्मूले यूज करते. लेकिन जब ओवर छोटे नंबर दिए जाते ना, तभी भी अपन यूवी वाले फॉर्मूले यूज करते हैं. क्या करके, जो नीचे है ना सी, उसको पॉइंट में लेते हैं. क्योंकि अगर नीचे वाला पॉइंट में लेते हैं तो ये क्या होता है, अगर मैं बोलू यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी, ठीक है, तो यू इज इक्वल टू, समझो मैं एग्जाम्पल इसका ही ले लेती हूँ, एक्स है मेरा 1.6 माइनस, अगर ए सब में मेरे को जो नंबर डिवाइड हो रहा है समझो 2 है, माइनस 2 अपॉन सी, अगर मैं 0.1 ले लू तो 1.6 माइनस 2 क्या होगा, 0.4 माइनस 0.4 अपॉन 0.1. क्लियर है एवरीवन? तो 0.1 क्या होता है, इधर से पॉइंट कट के इंटू 10 हो जाता है. जब नीचे पॉइंट होता है तो पॉइंट हट के ऊपर 10 आता है, तो 0.4 इंटू 10 क्या होता है, 0.4 इंटू 10 क्या होता है, 4. या मैं ऐसे सब दोनों जगह पॉइंट कट कर भी सकती हूँ, अगर एक ही नंबर से पहले है तो दोनों जगह पॉइंट कट कर दो, खत्म. तो आंसर क्या आ गया, 4. समझ आया? तो इसमें मुझे सी क्या लेना है, पॉइंट में लेना है, ताकि ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाए, या जो भी, मतलब अगर 0.01 लेते तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाता. तो जब भी ओवर छोटा नंबर या डेसिमल में नंबर्स दिए तो क्या करो, सी डेसिमल में लो, ताकि ऊपर 10, 100 का मल्टीपल हो जाए, जिसकी वजह से आंसर इंटीजर्स में आए. क्लियर एवरीवन? क्लियर है? अब यूज अकॉर्डिंगली पूरा सम सॉल्व करना है. क्लियर है एवरीवन? ओके, ये सब एक जैसे सम है. अब थोड़ा डिफरेंट जो सम है ना, वो मैं 13th नंबर से करवाऊंगी, 13th क्वेश्चन से. क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन इन स्टेटिस्टिक्स एक्स एंड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स. तो स्टेटिस्टिक्स के मार्क्स क्या है, एक्स स्टेट्स में, ओके, एंड वाई क्या है, इकोनॉमिक्स के मार्क्स, ओके. अ सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन. अब इसमें सिग्मा एक्स इंटू एक्स बार वाई इंटू वाई बार वाली डेटा दी हुई, तो अपन वो वाली सबसे पहली वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसके अंदर मीन्स इंटीजर्स में होते हैं. क्या फॉर्मूला थी उसकी, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर. क्लियर है? ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि तुमको डेटा इस प्रमाण इस हिसाब से दिया हुआ है. अब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार का डेटा क्या दिया है, 120. क्लियरली दे दिया क्वेश्चन के अंदर ये 120 है, और क्लियरली क्वेश्चन में ये भी दे दिया क्या है, 80 है, लेकिन ये बिना रूट के दिया, तो अपन रूट में लगा देंगे, इंटू ये क्या दिया है, 500. तो 80 इंटू 500 कितना होता है, ये क्या हो गया, 120, 8 फाइजा 40, और कितने एक्स्ट्रा 0, 1, 2, 3, ठीक है, इधर तक क्लियर हो गया. ओके, सो ये क्या हो गया, 120 अपॉन 40,000 का रूट हमेशा क्या होता है, 200, 0, 0 कट, 2 10 सा, 2 6 सा, 0.6 इज द आंसर. समझ आया? आर की वैल्यू क्या आई, 0.6, आर की वैल्यू क्या आई, एकदम इजी, और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस भी हाई है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर. क्लियर? एक बार गो थ्रू करो फटाफट, कुछ नहीं, पूरी डेटा दी हुई, खाली फॉर्मूला में डालना है, पूरा डेटा दे दिया है, खाली फॉर्मूला में डालना है. ओके, सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टर्म, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, इलस्ट्रेशन 14. इलस्ट्रेशन 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. इसके अंदर चार दिए है, चारों अपन को ढूंढने हैं. उसके बाद इलस्ट्रेशन 15 विल बी द लास्ट सम फॉर द टुडेज लेक्चर, विल कंटिन्यू विद द स्पियर्सन मेथड इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्पियर्सन रैंक कोएफिशिएंट मेथड. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट क्या है, एंड
इज इक्वल टू 20, को एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 50 एंड एस एक्स इज इक्वल टू 50, एस वाई इज इक्वल टू 8। क्लियर है एवरीवन? इधर तक हो गया? ओके, इधर तक क्लियर है? एन दे दिया, कॉम एक्स वाई दे दिया, एस एक्स दे दिया, एस वाई दे दिया, तो फॉर्मूला क्या होती है आर की? कॉम एक्स वाई अपॉन एन इंटू एस एक्स माइन टू एस वाई। क्लियर? ये फॉर्मूला होती है, यही फॉर्मूला होती है ना, कॉम एक्स वाई, सॉरी एन नहीं आएगा, कॉव एक्स वाई, वो कॉव एक्स वाई की फॉर्मूला होती है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स वाई टू वाला जो भी फॉर्मूला होती है वो कॉव एक्स वाई की होती है। इसकी फॉर्मूला क्या होती है? कॉव एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। क्लियर है? तो ये मेरा क्या आएगा, माइनस 50 अपॉन 15 इंटू 8। क्या आया? माइनस 50 अपॉन 15 8 जा 120, जीरो कट जीरो कट, अल्टीमेटली मेरा आया माइनस 0.42। तुमको एन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देते ताकि तुम भी मेरी तरह इधर एन लगा दो, बट इधर एन नहीं आएगा, एन सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया। इसका आंसर क्या आया? माइनस 0.42, लैक ऑफ कोरिलेशन, माइनस 0.42, दैट इज लैक ऑफ कोरिलेशन। एक बार गो थ्रू कर दो फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू ऑफ सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 14। क्या बोला है, क्या क्या दिया हुआ है? एन दे दिया है 10, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला यूज करनी है इसके अंदर, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 16। वेरायंस दे दिया 25, वेरायंस ऑफ एस मतलब एक्स, वेरायंस ऑफ एक्स क्या दिया है 25 एंड वेरायंस ऑफ वाई क्या दिया है 36। तो एक्स एस एक्स क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज द रूट ऑफ वेरायंस, वेरायंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, वेरायंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया एस एक्स 5 और एस वाई क्या हो गया 6, बिकॉज 36 का रूट 6 होता है, 25 का रूट 5 होता है। इधर तक क्लियर है एवरीवन? फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन वाई माइनस वाई बार, इसमें एन आएगा, समझ आया? जब भी ये वाली चीज दी होगी ना तो एन आएगा, एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। तो ये डायरेक्टली 60 दे दिया है, इधर 10 इंटू 5 इंटू 6, 60 अपॉन 5 6 30 इंटू 10 300, 6 1 जा 6 5 जा 1 अपॉन 5 दैट इज 0.2, 1 अपॉन 5 क्या होता है 0.2, लैक ऑफ कोरिलेशन, अगेन लैक ऑफ कोरिलेशन। समझ आ गया? क्लियर? इधर एक खाली ट्विस्ट पॉइंट क्या था कि वेरायंस दिया है उसको अपन रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढ लेंगे, फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं। अब जब को एक्स वाई दिया होता है तब नीचे एन नहीं लगता, लेकिन जब ये वाला दिया हो तब नीचे एन लगता है। क्लियर एवरीवन? एक बार गो थ्रू कर दो फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया? क्वेश्चन नंबर थ्री नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया, दैट इज एन इज इक्वल टू 25 दे दिया है, एन इज इक्वल टू 25, मीन दे दिए एक्स मीन कितना है 40, वाई मीन कितना है 50, द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन द स्टैंड ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या दे दिया है, सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दिया 120 एंड सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर दिया 160। ओके, फिर क्या बोला था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, मतलब क्या, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना दे दिया है 100, ये क्या दे दिया 100। फॉर्मूला अपन को पता है क्या आएगी,
R is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon sigma x minus x bar whole square into root में sigma y minus y bar होल स्क्वायर. क्लियर एवरीवन? तो ये क्या आ जाएगा अपॉन, ऊपर तो 100 आ जाएगा, नीचे 120 का रूट इंटू 160. क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा 120 इंटू 160 डेट इज 19200, जिसका रूट निकालेंगे तो आएगा 138.5641 इज इक्वल टू 0.72. ठीक है, क्लोज टू परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, क्लोज टू परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अब मेरी बात सुना, इसके अंदर ट्विस्ट क्या था, तुमको ये समझना जरूरी है कि वो बोलना क्या चाहता है. लेट इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिवीजन, स्क्वायर ऑफ डिवीजन, डिवीजन मतलब माइनस करना, सम ऑफ द स्क्वायर सम मतलब समीशन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिवीजन मतलब ये होता है, एंड दूसरा बोला सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑफ द डिवीजन, डिवीजन मतलब एक्स माइनस एक्स बाय, और सम मतलब सिग्मा. तो वो ये, तो ये कौन सा क्या दिया हुआ है उसके लिए तुम लोगों को बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा. क्लियर एवरीवन? ओके, एक बार गो थ्रू कर दो. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. ओके, एंड दे दिया 10 सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई मतलब जो अपनी वो वाली फॉर्मूला थी, सेकेंड नंबर वाली जो फॉर्मूला थी, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई वाली. ठीक है, ये देखते से समझ आना चाहिए. ठीक है, मीन ऑफ सिग्मा, मीन ऑफ एक्स दैट इज 12, मीन ऑफ वाई दैट इज 15, सेकंड डेविएशन मतलब एस एक्स इज इक्वल टू 9 एंड एस वाई इज इक्वल टू 15. एस एक्स दे 5, सॉरी एस एक्स दे दिया 9 और एस वाई दे दिया है 5. क्लियर एवरीवन? अब कौन सी फॉर्मूला आएगी, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एक्स वाई. यही फॉर्मूला थी, सिग्मा एक्स वाई क्या था 1500 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई क्या है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों नहीं दिया है, बट हाँ मीन दे दिया है. तो मीन क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन. तो मीन क्या दिया हुआ है, 12 इज इक्वल टू, सिग्मा एक्स क्या है नहीं पता मुझे, लेकिन एन मुझे पता है 10, तो मैं सिग्मा एक्स चुन सकती हूँ, 10 इंटू 12 दैट इज 120. सिमिलरली वाई मीन क्या दिया हुआ है, 15, तो 15 इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन 10, therefore sigma y is equal to 150. तो मेरा sigma x और sigma y आ गया 120 into 150, okay? So n कितना है, 10 into sx कितना है, 9 into 5. Clear everyone? So 1500 minus 120 into 150 कितना होता है, 1800 upon 10. सॉरी 10 इंटू 9 कितना होता है, 90, 90 इंटू 5 दैट इज 450. इधर तक क्लियर हो गया? अब ये माइनस 300 अपॉन 450 हो गया, 0 0 कैंसल, 33 टेन्स और 5 सिक्स 5 नाइन्स 3 टू 3 थ्री जा, सो ये मेरा क्या आ गया, माइनस 2 अपॉन 3 दैट इज 0.6667 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.67 माइनस 0.67. ये मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आया, माइनस 0.67. क्लियर एवरीवन? इधर तो सबको क्लियर हो गया, एक बार पूरा गो थ्रू कर दो. इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये वाला कि ये कैसे ढूंढना है, क्योंकि तुमको लगेगा डेटा नहीं दिया है, तुम पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, अल्टीमेटली सम नहीं कर पाओगे. दिस इज द क्रक्स पार्ट इन दिस
क्वेश्चन. सो एक बार ये पूरा गो थ्रू कर दो, फिर आई विल एंड विद द लास्ट सम ऑफ टुडे लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, इलस्ट्रेशन 15. ओके, सो इलस्ट्रेशन 15 क्या बोला जाता है, सेम टाइप के सम है. एक बार मैं पूरा रब करके गो थ्रू करवाती हूँ. ओके एवरीवन, रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन. मतलब एक्स क्या है सेल्स और वाई क्या है प्रॉफिट. ओके, अपन को डेटा दे दिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज आर ढूंढना है. क्वेश्चन नंबर 15, एन इज इक्वल टू 6, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 58, सिग्मा वाई, दिस इज अगेन वो सिग्मा एक्स एंड वाई वाली फॉर्मूला है, 40, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 431, sigma xy is equal to 431, sigma x square is equal to 606, sigma y square is equal to 316. Now r ki formula kya hai, n sigma xy minus sigma x into sigma y. Okay, n sigma xy into sigma x into सिग्मा y अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें एन सिग्मा एक्स वाई क्या होगा, 6 इंटू सिग्मा एक्स वाई कितना है 431, माइनस सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स इज 58 इंटू 40 अपॉन एन इज 6 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 606 माइनस सिग्मा एक्स दैट इज 58 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 316 माइनस 40 का होल स्क्वायर. सो ये मेरा अल्टीमेटली सॉल्व करूं तो आता है 266 अपॉन रूट 80512. That is 266 upon 283.7464. That is approximately 0.94. Perfect positive correlation. Very close to perfect positive correlation. Close to perfect positive correlation. Easy everyone. Ek baar go through kar do fatafat. So goodbye everyone. We'll end this lecture by this session and we'll continue with the next method, that is Pearson rank coefficient method, in the next lecture. Goodbye everyone.